हाय हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं सिरपुर लेक, जो कि इंदौर में है। तो अभी मैं वहां पर आ चुका हूं और ये मैंने गाड़ी पार्क करी है और ये मेन गेट है। और अभी क्या, हम शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और आप मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, क्योंकि कल रात को बरसात हुई थी और सुबह बंद हुई थी लगभग 7-8 बजे। तो दिन भर से मौसम ऐसा ही है, धूप बिल्कुल नहीं खुली है। तो अभी यहाँ पर मैं आया हूँ विजिट करने, तो ये भी एक वॉचिंग पॉइंट है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको विजिट किया जाए। 2 दिन की छुट्टी भी है ऑफिस की, तो अभी अंदर चलते हैं इसके और इसको दिखाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है देखने की चीज़ें। तो आप ब्लॉग में बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इसको। ये इसका मेन एंट्रेंस है, इस पर लिखा हुआ है पक्षी अभ्यारण्य सिरपुर बेटलैंड नगर पालिक निगम इंदौर। अभी बैग उठाते हैं, हेलमेट को तो गाड़ी पे ही टंगा रहने देते हैं। और ये इसका एंट्रेंस है इस तरह से, और ये देखो पानी भरा हुआ है, सुबह बरसात हुई है उसकी। और ये ऐसा ग्रीनरी है यहाँ पर, और पक्षियों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ऐसे चिड़िया वगैरह बोलती है, उनकी क्लियर आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये शहर से थोड़ा बाहर है तो उसमें यहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे ग्रीनरी भी है काफ़ी, इसके दोनों तरफ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखो, और अभी बरसात और अच्छी होगी तो ये पूरी क्या हरे भरे हो जाएंगे यहाँ पर और अच्छी ग्रीनरी हो जाएगी। इधर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है अभी, और कुछ लोग यहाँ पर घूम भी रहे हैं। और ये देखो चिड़ियाओं की बहुत आवाज़ आ रही है यहाँ पर। वैसे आज का दिन सही चूज किया है मैंने यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ठंडक है बिल्कुल। और अभी टाइम लगभग 5:30 बजे हैं, तो अभी 1 घंटे इसको आराम से घूम लेंगे, 7 बजे तक उजाला रहता है। इसको देखते हैं कैसा है ये अंदर से। अभी तो यहाँ पर पूरा पाथवे बना हुआ है और उसके आगे जाके पानी भरा हुआ है, वो पूरी लेक है ये दोस्तों। आपको सिरपुर लेक दिखेगी, देखिए इसमें ये पता नहीं क्या हरा हरा सा पूरा हो रहा है, और ये काफ़ी बड़ी है देखो इस एरिया में यहाँ से, और ये 1 किलोमीटर दूर है। मैंने अभी यहाँ पर पूछा था तो बोले ये पूरा पाथवे है जो 1 किलोमीटर का है, और उसके बाद में वो दूसरा रोड आ जाता है, तो वहाँ भी निकल सकते हो आप और उधर भी निकल सकते हो, लेकिन जो मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो उसका मेन गेट है ये दोस्तों। यहाँ पर ये बोर्ड वगैरह लगा रखे थे जो अभी डैमेज हो गए हैं पूरे, ये देखिए लोगों ने पत्थर वत्थर मार के तोड़ दिया आई थिंक ये, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को। और ये देखो बदल वगैरह कितने मस्त हो रहे हैं, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पर। ये भी कुछ वॉचिंग पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये लगाया हुआ है पर्पल हीरोइन, ये मुझे दिखी भी थी यहाँ पर, लेकिन मैं क्या कि वीडियो बना नहीं पाया, तो अभी यहाँ पर घूम रही थी ऐसे ही, जो यहाँ पर साइन लगा हुआ है शायद उधर कहीं चली गई अभी। तो ये वो देखो पेड़ पर कोयल भी दिखेगी आपको, थोड़ा जूम करता हूँ, वो जो दिखी है वो बैठी है जो कोयल है वो रे, वो पर्पल जो उसमें जो दिख रहे हैं वो उस तरफ है, ये जो घूम रहे हैं ये वो पर्पल वाले हैं। और ये यहाँ का नज़ारा देखो आप, ये पूरा लेकर यहाँ पर लोग मछली भी पकड़ रहे हैं उस तरफ, और ये सूरज देखो कैसा हो रहा है, और ये बांस वगैरह के पेड़ हैं यहाँ पर। अभी और आगे की तरफ चलते हैं, गिलहरी तो बहुत सारी है यहाँ पे, गिलहरी चिड़िया है। पूरा पाथवे बना हुआ है पूरा 1 किलोमीटर का, इसको पूरे को देख के आते हैं बिल्कुल एंड तक। ये देखो गिलहरी है, ये देखो ये जा रही है, ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रकृति के कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे वगैरह। और यहाँ पे बरसात से बहुत अच्छा हो गया है, और अभी और 2-4 बरसात होगी तो यहाँ की ग्रीनरी और बढ़ जाएगी, तो और मस्त लगेगा यहाँ पर देखिए। तो ये पूरा ट्रैक पूरा करने पे आ चुका हूँ मैं, थोड़ी सी दूर और है, उसके बाद में ये पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। तो उसके उधर देखो रोड आने वाला है, क्योंकि उधर व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है। और पूरा ट्रैक मुझे बहुत अच्छा लगा वॉकिंग वगैरह करने के लिए, ये देखिए घर से दूर पड़ता है, अगर आसपास हो तो उस पर डेली और दौड़ करके जाओ पूरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा हो जाए।
यहाँ के ये नज़ारे देखो, इधर ये लेक के नज़ारे, अभी बरसात में और बढ़ जाएगी लेक पूरी। और ये बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा वॉच टावर, इधर से देखते हैं पूरी लेक को। ये देखिए वाह, यहाँ से क्या नज़ारा आ रहा है, ये देखिए आप पूरा यहाँ का व्यू। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये दोस्तों आ गए हैं अभी हम बिल्कुल दूसरी तरफ, और यहाँ पर ये दूसरी तरफ की एंट्रेंस है। यहाँ पे देखो बच्चे खेल भी रहे हैं, मंदिर बना हुआ है, और ये एक वॉच टावर यहाँ पे है, और एक वॉच टावर उस दूसरी तरफ है। इस वॉच टावर के पास चलते हैं, यहाँ से व्यू देखते हैं पूरी लेक का। देखो यहाँ से काफ़ी बड़ी लग रही है, देखने में यहाँ पर कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। देखो ये इधर बीच में डक, ये है रामपुर तालाब। अभी दोस्तों उस तरफ तो बिल्कुल हो जाए, वहां से अभी मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने मेरी बाइक खड़ी करी थी, और जो उसका मेन एंट्री पॉइंट है, वैसे उस तरफ भी है लेकिन आप गूगल मैप पे देखोगे तो वो जगह मेन लगा रही है, जबकि वहाँ पर लोग आ कितने हैं नहीं है, दूसरी तरफ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो सिटी के नज़दीक है, ये थोड़ा आउट में पड़ता है दूसरी तरफ। तो मैंने तो वही लोकेशन डाली थी, तो उसी गेट पर लेके आया था मुझे गूगल मैप, तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ मैं। और अभी लगभग 6 बजने को हैं, और व्यू तो यहाँ का अल्टीमेट है, ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा आप नेचर के बहुत करीब आ गए हो इंदौर में रहकर। इंदौर के पास में एकदम शांत जगह, बीच में पाथवे बना हुआ है, और इस तरफ भी पानी है और दूसरी तरफ भी पानी है, दोनों तरफ क्या है इसमें पानी भरा हुआ है, और ये बीच में पाथवे बना हुआ है, तो इसमें आप आराम से जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया है और ग्रीनरी है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। ये पानी से जस्ट पहले जगह है, तो वहाँ पर दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो इससे व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अभी और आगे की तरफ चलते हैं और आगे के कुछ व्यू दिखाते हैं आपको, फिर आगे जाके ब्लॉग का एंड करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है, और ये इमली का पेड़ है, बहुत बड़ा है, देखो उसमें अभी नई पत्तियाँ लगना शुरू हो चुकी है। ब्राउन रॉक चैक ये मिलती है यहाँ पर चिड़िया इस तरह की, और एक इमली का पेड़ आगे भी है। इधर यहाँ पर नीचे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ, देखो यहाँ पर सांप बच्चू जहरीले जानवर है। इसके इधर जो बांस के पेड़ रहते हैं इसके इधर थोड़े मिलते ही हैं, तो यहाँ पे इस तरह का एरिया था इसलिए इसको बंद किया हुआ है। और ये इस वाले गेट के पास में ही जगह, तो अभी हम उस गेट पे पहुँचने वाले हैं बस। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गेट पर, और यहाँ मैंने मेरी बाइक पार्क की थी उस जगह पर, तो पूरा देख लिया है ये जगह। वैसे तो ये जगह सही है, आप आके आ सकते हो कभी वीकेंड पे, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करने और थोड़ा नेचर के करीब आपको आना है तो इस जगह को विजिट कर सकते हो। मुझे तो अच्छी लगी ये जगह, आप कमेंट करके बताना आपको ये जगह कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जगह के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।